नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं, लेकिन आज हम लोग वीडियो में थोड़ा सा टारगेट रखते हैं क्योंकि आज मैं बहुत मन से पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स। आप कहोगे सर आप रोज ही मन से पढ़ाते हो, या आई नो, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पे 2000 लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत दिन से मैं आपसे प्रार्थना करता चला आ रहा हूं कि भाई 2000 लाइक करवा दो, लाइक करवा दो। आप चाहो तो हो सकता है, और कहते हैं कि भाई मांगने से ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, बस मीरा की तरह मांग के तो देखो या ढूंढ के तो देखो। तो फिलहाल देखते हैं आज 2000 लाइक होते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फोर्ब्स की पत्रिका में किसको, अक्षय कुमार जी को अभी हाल ही में शामिल किया गया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के रूप में, उनका कौन स्थान कौन सा है, पहले नंबर पर कौन है, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेहद अच्छी खबर, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स पे करते हैं। आप कहोगे सर अभी तो नौकरी नहीं लगी, टैक्स कैसे पे करेंगे? अरे मतलब आपके पापा वगैरह तो पे करते होंगे, आपके सर तो पे करते हैं। तो इनकम टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अब जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसमें कई सारे बदलाव होने वाले हैं। बदलाव का जो सबसे बड़ा वजह है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बताया है कि अब की बार जो हमारी गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम देखभाल के ऊपर काम करने वाली है। टैक्स पेयर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो इनकम टैक्स पेयर की होती है वो ये कि उनको सही ढंग से संचालन नहीं मिल पाता। संचालन मिल भी पाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर बना रहता है कि इनकम टैक्स अधिकारी आएगा, रेड मारेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो ऐसे में इनकम टैक्स अधिकारी का रोल कम कर दिया गया है और फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट को बढ़ावा दिया गया है। फेसलेस असेसमेंट का मतलब ये रहेगा कि अब आप अगर मान लीजिए इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कोई जानकारी देते हैं तो उसको कौन असेस कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन उसकी जांच कर रहा है, वो कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। और दूसरा, वो किन खातों की जांच कर रहे हैं इसके लिए बकायदा उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी खातों की जांच करने के लिए। एक बात यह भी है कि इस तरह की व्यवस्था केवल ईमानदार देशों में ही चल सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमारे यहां जो भ्रष्टता है वो अधिकतर अधिकारियों के स्तर पर ही है क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में मात्र 1.3 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पेयर है। अब इतने बड़ी देश की आबादी में इतनी इनकम तो नहीं हो सकती कि केवल 1.3 करोड़ लोग ही टैक्स दें, बाकी लोग ना दें। तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रणाली को सुधारने की जरूरत थी और इसमें एक बढ़िया रिफॉर्म किया गया है। मेरे हिसाब से भी ये बढ़िया रिफॉर्म है कि कम से कम अधिकारियों के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट वाली चीजें होती हैं, लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हमारा टैक्स जो है इतना बन रहा है, साहब आप कुछ कम कर दो। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि 1,00,000 रुपए टैक्स बन रहा है, सर हम 50,000 दे देंगे, 20,000 आप ले लीजिएगा तो 70,000 में निपट जाएंगे, 30,000 बच जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगे। आइए बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी कि पारदर्शी कराधान, पारदर्शी कराधान और ईमानदार को सम्मान, पारदर्शी कराधान और ईमानदार को सम्मान हिंदी में हो गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है क्योंकि हमारा जो प्राइमरी टैक्स सिस्टम था वो उसी समय से चला आ रहा है। ऐसे में एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, मन में क्या आता है, मुझे आता भी नहीं है, आप अगर आपको पता हो कि भारत में टैक्स सिस्टम की शुरुआत किसने की थी। वेरी गुड क्वेश्चन, हो बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया कि भारत में टैक्स सिस्टम यानी कि कराधान की शुरुआत करने वाला कौन था। था तो एक गवर्नर ही, कौन था वो, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है, बड़े प्यार से लिखकर बताइएगा। तो यहां पर लिखा गया है कि जिसमें फेसलेस असेसमेंट होगा, वन पॉइंट इज फेसलेस असेसमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी तरीके का जो भी निरीक्षण हो रहा होगा उसमें अधिकारी आपके सामने नहीं आएगा, जो कुछ होगा वो ऑनलाइन होगा। दूसरा पॉइंट, फेसलेस अपील होगी, अगर आप परेशान हो गए हैं या किसी चीज के बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो भी आपकी शकल सामने नहीं आएगी, आपको पहचान, आपकी जो पहचान होगी वो गुप्त रखी जाएगी। एंड टैक्स पेयर चार्टर, और जो टैक्स पेयर है उनके लिए कुछ नए अधिनियम बनाए जाएंगे जिसमें अधिकारी और जो भी ऑफिसर वगैरह होंगे टैक्स के वो उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा जो है ये आपको 25 सितंबर 2020 से मिलना शुरू हो जाएगी। 25 सितंबर को भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से सहमत रहती है और उनके विचारधारा को फॉलो करती है, इस वजह से इस दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। टैक्स पेयर चार्टर का उद्देश्य जो रहेगा, करदाताओं को इनकम टैक्स और विभाग के बीच में विश्वास बढ़ाना, टैक्स पेयर की परेशानी कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है।
तो इनकम टैक्स अधिकारी जो मनमर्जी किया करते थे, लाखों रुपए छापते थे, अब थोड़ा बहुत उनका यहां पे हाथ टाइट होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलत तौर तरीके से सही नहीं है और छोटे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, हर किसी को कर्तव्य भाव से आगे काम करना चाहिए। और इस पर उन्होंने एक बात और कही कि ये जो सुविधा हम आपके लिए ला रहे हैं, इसमें अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो ही ये चलेगा, और हम सभी को ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में टैक्स बजट आया था तो टैक्स लैब में थोड़े थोड़े बदलाव किए गए थे। वर्तमान समय में 250,000 रुपए की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 250,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक के बीच में, यानी कि 2,50,000 की जो इनकम होती है उसमें आपको नील देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना बजट जो बचत की है वो 87A के अंतर्गत की है, अदरवाइज अगर आपने कोई बचत नहीं की है तो 2,50,000 रुपए पे आपको 5% का टैक्स पड़ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 5,00,000 रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स पड़ सकता है, लेकिन ये 2,50,000 रुपए रिबेट में है, यानी कि उनमें छूट है, तो जो बचे हुए 2,50,000 है उसमें ही 5% का टैक्स पड़ता है। अगली जानकारी, 5,00,000 से लेकर 7,50,000 तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो 10% टैक्स पड़ता है। कई लोग सोच रहे होंगे, सर आप बताओ आप कौन वाले स्लैब में आते हो? मैं बता दे रहा हूं कि भाई मैं नील वाले में आता हूं, मैं टैक्स बस सिर्फ और सिर्फ भर देता हूं कि मेरी इनकम नील है। अब आप समझ सकते हो, 7,50,000 से लेकर 10,00,000 वाले पे 15% टैक्स पड़ता है, और 10,00,000 रुपए से लेकर 12,50,000 पर 20% का टैक्स पड़ता है, और 12,50,000 से लेकर 15,00,000 पर 25% का टैक्स पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15,00,000 से ऊपर वालों को 30% का, 15,00,000 कह रहा हूं सॉरी, 10,00,000 से 12,50,000, 12,00,000 से, हाँ 15,00,000 रुपए, 15,00,000 से ऊपर का जो भी होगा वो 30% होगा। मुझे 1.5 करोड़ नजर आने लगे थे, पैसा देखते ही मेरी आंखों में चमक आ जाती। चलिए अगले जानकारी की तरफ चलेंगे। अगली जानकारी अक्षय कुमार से जी से जुड़ी हुई है। अक्षय कुमार जी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाली सेलिब्रिटियों की सूची में 6 स्थान पर पहुंच गए। लगातार अक्षय कुमार काफी ज्यादा पैसे कमाते चले जा रहे हैं। पहले स्थान पर अपने रॉक है WWE वाले डॉने जॉनसन। हाल फिलहाल फोर्ब पत्रिका ने द हाइएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 जारी किया, यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष तक दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं, और इनकी कमाई $48.5 मिलियन के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। इस सूची में अक्षय कुमार 6 स्थान पर रखा गया है। उनकी अधिकांश आय का हिस्सा उत्पादों के विज्ञापन से आया है, और यह सूची 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच में कमाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस सूची पर दूसरे वर्ष भी लगातार फिल्म स्टार डॉन जॉनसन नंबर 1 पर बने हुए हैं, जिनकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। जॉनसन को उनके रिंग में द रॉक के नाम से भी जाना जाता था, और द मम्मी आई थिंक एक गुड मूवी है, उसमें भी इन्होंने रोल किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसमें रोल किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले नंबर पर है डॉन जॉनसन, दूसरे नंबर पे रेयन रेनॉल्ड्स, मार्क वॉल्बर्ग, तीसरे नंबर पे बेन एफ्लेक, चौथे नंबर पे एंड एक फेमस नाम और विन डीजल पांचवें नंबर पर मौजूद है। अगली जानकारी है, ज्वालामुखी फट गया। कहां फट गया? आपका फंस गया है ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर सालों से धधक रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सोमवार को अचानक फट गया है। वैसे 7 दिन से इसमें 8वीं बार विस्फोट हुआ है, और इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि जो राख है वो 2 किलोमीटर ऊपर तक उछल गई, 2 किलोमीटर तक उछल गई, और जो 5 किलोमीटर का दायरा था वहां पर इसकी धमक सुनाई दी है। आप समझ सकते हैं कि इतना तगड़ा विस्फोट रहा होगा। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया है द्वीपीय देश, लेकिन बेचारा ऐसा लगता है कि जैसे धधकता ही रहता है। 130 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, और इसीलिए इसे संसार का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं, ज्वालामुखी के फटने से राख और धुएं का गुबार निकलने लगा। धुएं की राख करीब 5,000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई, जिसमें आसमान से सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आने लगा, और लोगों ने कहा कि यहां दिन में रात नजर आने लगी थी। तो नाम याद रखिएगा, माउंट सिनाबंग कहां पर है? उत्तर सुमात्रा में कारो रीजेंसी में स्थित है। यह इंडोनेशिया के 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। 2010 में विस्फोट से पहले यह 400 साल तक शांत था, लेकिन 2010 में इसमें विस्फोट नजर आया, और उसके बाद 2014 और 2016 में इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो मैं जब इसको ढूंढ रहा था कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो आप देखो कि बहुत अलग अलग साइट पे अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, बट एक साइट पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इट्स अ वोल्केनो डिस्कवरी। वोल्केनो डिस्कवरी से मैंने ये डेटा उठाया है। उन्होंने बताया कि किलायू ये हवाई का वोल्केनो है, यानी हवाई का ज्वालामुखी है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद अगला नंबर एटना का आता है, और एटना के बाद पिटोन डी लारा फोरानसी, ये आपका ला री यूनियन आइसलैंड पे है,
तो किलायू, एटना और फिर रियूनियन आइसलैंड पे है पिटोंडी, ये तीन ज्वालामुखी हैं जो विश्व के सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी है। उसके बाद इसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी कब फटेगा या कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रोम्बोली, मेरापी, एल्टाले, ओल्ड डोनियो, लेंगाई, उंजेन एंड अदर्स ये है। माउंट एरेबस भी है ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी जो है वो है किलायू। कहां पर है? हवाई द्वीप में। भारत का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी, भारत में एक ही ज्वालामुखी है और वो बैरन आइसलैंड पे है। बैरन आइसलैंड ये आपका अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। बैरन आइसलैंड वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्ली ऑफ द अंडमान आइसलैंड में पूर्वी छोर पर आप जाएंगे तो ये आइलैंड आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इज द ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये अकेला एक ज्वालामुखी है जो भारत में आपको देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में फटा है तो इंडोनेशिया की बारी बात करते हैं। इंडोनेशिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति है जोको विडोडो, राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशियाई रुपया यहां पर चलता है। भारत के पड़ोसी देशों के रूप में आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब जाएंगे थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के नीचे थोड़ा सा को सिंगापुर मिलेगा और इंडोनेशिया के बीच में ही है एक स्ट्रेट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जलसंधि है जो चीन के साथ व्यापार करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं इसको, मलक्का जलसंधि। अगली जानकारी पे चलते हैं। एक और अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि भारत में भी एक प्राइवेट कंपनी है जो एरोस्पेस से जुड़े हुए अनुसंधान कर रही है और बहुत आगे बढ़ रही है। यह है हैदराबाद स्थित पवन कुमार चंदाना के अंतर्गत काम करने वाली स्काई रूट एयरोस्पेस। पवन कुमार चंदाना कौन है? पवन कुमार चंदाना की अगर हम बात करें तो ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, यानी पहले इसरो में काम करते थे, फिर उसके बाद ये रिटायर हुए और उनके मित्रों ने मिलकर एक हैदराबाद में स्टार्टअप शुरू किया था। इसका नाम रखा था स्काई रूट एयरोस्पेस, यानी अपने ज्ञान को इन्होंने बेकार नहीं होने दिया और खुद की एक फर्म बनाई। देखा गया तो 2019 तक अभी जो इसने पैसा जुटाया है वो 31.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं इस स्टार्टअप ने और इसकी योजना है कि 2021 तक ये 90 करोड़ रुपए और जुटा लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने एक खुशखबरी दी है कि इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है। उस रॉकेट के जरिए कई सारे सैटेलाइट जो हैं वो जहां भी चाहें उस कक्षा में स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रॉकेट बनाया है उसमें एक ऐसा इंजन बना है जिसको कई बार स्टार्ट किया जा सकता है। इससे फायदा यह होगा कि अलग अलग कक्षाओं में उसको स्थापित किया जा सकेगा। हाँ, इन्होंने जो रॉकेट का नाम रखा है वो रमन रखा है। नाम रमन रखने के पीछे रीजन दिया कि वो डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है जिनके नाम पे रमन इफेक्ट है। तो एक स्पेस टेक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड है। एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके साथ स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। यानी हमारे पास भी स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है यूएसए की, जिन्होंने अभी हाल ही में यात्री भेजे थे और वहां से वापस भी लेके आए थे, और ऐसा करने वाली वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है अमेरिका की। हमारे पास भी कम से कम एक प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट ऊपर भेज सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो हम अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सारे देशों से बहुत आगे चल रहे हैं। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनके रमन प्रभाव की वजह से मिला था। स्काई रूट एरोस्पेस ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद जताई है, क्योंकि इंजन बन चुका है तो अब रॉकेट बनना बाकी है जो दिसंबर 2021 तक या 250 से 700 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचा पाएगा। जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनी की भागीदारी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी के बाद निजी संस्था के लिए अब यह संभव हो गया है और इस तरीके से अब भारत में भी जो अंतरिक्ष का भविष्य है वो काफी उज्जवल है। अगली जानकारी तब चलेंगे, लेकिन उससे पहले स्काई रूट एयरोस्पेस रमन नाम का इंजन बनाया है, रॉकेट इंजन। अगली जानकारी रिलायंस। आज तो लग रहा है जैसे अच्छी खबरों की भरमार लगी हुई है, लगातार एक पे एक अच्छी खबरें। रिलायंस फॉर्च्यून 500 में शामिल होने वाली, 100 में शामिल होने वाली पहली कंपनी है। इससे पहले भी उसका स्थान 99 रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार कंपनी में गिरावट आई और फिर 2010 के बाद इसमें सुधार आना शुरू हुआ जो लगातार जारी है और अब ये विश्व की 96 नंबर की सबसे उन्नत कंपनी बन चुकी है। तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 10 स्थान आगे निकल गई है और दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में प्रवेश कर गई है। फॉर्च्यून द्वारा जारी हाली 2020 रैंकिंग के अनुसार रिलायंस को वैश्विक स्तर पर 96 यानी 96 नंबर पर रखा गया है। यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसी भी भारतीय कंपनी की अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कंपनी है, इसके अलावा भी कई भारतीय कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शामिल हुई है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो जारी हुआ था उसमें पता चला था कि रिलायंस जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। पहले नंबर पे एप्पल है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 191 स्थान पर है इस सूची में, फिसली है थोड़ी सी।
ऑयल एंड नेचुरल गैस जिसे हम ओएनजीसी कहते हैं प्यार से 190 स्थान पर है, और जबकि भारतीय स्टेट बैंक 221वें नंबर पर मौजूद है। बात करते हैं, आप सभी के मन में आ रहा होगा पहले नंबर पर कौन रही। तो पहले नंबर पर रही है वॉलमार्ट, पिछली बार भी थी अभी भी है वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में इस साल शीर्ष पर वॉलमार्ट रही है। इसके बाद तीन चीनी कंपनियां साइनोपेक, स्टेट ग्रिड और चाइना नेशनल पेट्रोलियम का स्थान रहा है। सूची में पांचवें स्थान पर रॉयल डच सेल और छठे पर सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको रही है। सूची में वॉलमार्ट, साइनोपेक, चाइना नेशनल पेट्रोलियम के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि स्टेट ग्रिड ने दो स्थान की बढ़त हासिल की है और सेल दो स्थान नीचे खिसक गई है। तो पहले स्थान पर कौन है? वॉलमार्ट। अगली जानकारी तब चलते हैं, एक ऑनलाइन एकेडमी खोली गई है, उसका नाम रखा गया है SBM एकेडमी। SBM का फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो है, इसका कंसेप्ट ये है कि एक मोबाइल एकेडमी है, IVR बेस्ड है। IVR आप सभी समझते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें होता यह है कि अगर आप किसी को फोन करते हैं, जैसे आपने फोन किया होगा तो कभी रिचार्ज वगैरह के लिए, अगर आप इसको कस्टमर केयर फोन करते हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक दबाएं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो दो दबाएं, तो ये वाला जो सुनते हैं ये IVR बेस्ड टेक्निक है। तो इसके जरिए एक एकेडमी लॉन्च की गई है, इसमें उन लोगों को जागरूक किया जाएगा जो लोग स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाने के लिए, गंदगी से मुक्त भारत बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं उनके बारे में यहां पर एक कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। ये कोर्स जो होगा ये 60 मिनट का है और इसमें चार चैप्टर शामिल हैं। तो फिलहाल केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया गया है और SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत जो कि वर्तमान समय में चलाया जा रहा है 10 अगस्त से दौरान लॉन्च किया गया है। SBM अकेडमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन के चरण दो का महत्वपूर्ण भाग है। स्वच्छ भारत मिशन को अभी मई 2020 में लॉन्च किया गया था। यह व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रमुख हितधारकों जैसे कि जो स्वच्छाग्रही हैं, जो काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए, उनको ये थोड़ा सा उनकी क्षमता को बढ़ावा देगा और लोगों को जागरूक करने में मदद करेगा। स्वच्छ भारत अकेडमी फोन आधारित एक अकेडमी है, फोन पर आधारित है। ये 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करेगी जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आप इसको इस नंबर पर सुन सकते हो 1800 1800 404। तो स्वच्छ भारत एकेडमी का लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इस सप्ताह का नाम क्या है जो अभी हम मना रहे हैं? व्यवहार परिवर्तन सप्ताह, तो गंदगी मुक्त भारत। अगली जानकारी है, लद्दाख पुलिस को अपना अलग ध्वज चिन्ह और लोगो मिल गया है। आप कहेंगे अभी तक नहीं था। जी नहीं था, अभी तक वहां पर जो पुलिस काम करती थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस काम करती थी, लेकिन अभी हाल ही में मई 2020 में लद्दाख को एक नई पुलिस सौंपी गई है जिसके लद्दाख पुलिस के नाम से जाना जाएगा। जैसे हर राज्य में अलग अलग पुलिस है, तो उनको ध्वज, लोगो और चिन्ह भेंट किया गया है। तो फॉरेंसिक लैब, साइबर क्राइम लैब के साथ पुलिस को सैटेलाइट फोन और अन्य आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। उपराज्यपाल जो कि आर के माथुर है, राधाकृष्ण माथुर है, तो उन्होंने कहा कि लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बना था, ऐसे में लद्दाख पुलिस अपना स्थापना दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाएगी। लद्दाख पुलिस का ध्वज लाल और गहरा नीला है, इसका बॉर्डर गोल्डन कलर का किया गया है और इस पर सेवा या सेवा व बहादुरी लिखा हुआ है। लद्दाख पुलिस के चिन्ह में एक बर्फीला चीता दुर्गम हालात में काम करने की क्षमता का प्रतीक दर्शाते हुए बनाया गया है। लद्दाख पुलिस के लोगों में राष्ट्रीय चिन्ह के साथ साथ सत्यमेव जयते भी लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या क्या है? इसमें बर्फीला चीता है, लोगों में क्या लिखा है? सेवा व बहादुरी लिखा हुआ है। कलर किस कलर का है? रेड एंड ब्लू, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम याद करें उधर की न्यूज के बारे में, तो अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राज्य उपराज्यपाल को चेंज कर दिया गया। कौन बनाए गए? मनोज सिन्हा बनाए गए, जबकि जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको भारत का नया कैग बनाया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगली जानकारी तो चलते हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है कि भाई भारतीय मूल की एक सीनेटर है कमला हैरिस, उन्हें अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी उपराष्ट्रपति बनी नहीं है, लेकिन हाँ इस दौड़ में जरूर शामिल हो गई है। तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट वाली पार्टी है, ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने कमला हैरिस को मनोनीत किया है। तो उपराष्ट्रपति एंड राष्ट्रपति, तो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े होंगे जो बाइडन। अब 7 अक्टूबर को उनकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से डिबेट होगी और इस डिबेट के जरिए वो जानेंगे कि कौन ज्यादा बेटर है। पेंस रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अमेरिका में 59वां राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को होना है।
अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली वह पहली अश्वेत महिला है, और अगर वो ये चुनाव जीत जाती है तो उपराष्ट्रपति बनने वाली वो पहली महिला होंगी, अगर वो उपराष्ट्रपति बनती हैं तो। कमला हैरिस भारतीय उम्मीदवार, भारतीय मूल की उम्मीदवार है। इसके अलावा अभी पिछले साल 3 इंडियन अमेरिकन को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। रीता बर्नवाल, इनको नॉमिनेट किया गया था असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में। आदित्य बामजाई, इनको मेंबर ऑफ प्राइवेसियन सिविल लिबर्टी ओवरसाइट में रखा गया था, यानी कि मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई संस्था के बारे में। और बिमल पटेल को असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेजरी बनाया गया था। तो ये जो है ये तीन ऐसे पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जिसमें तीन भारतीय मूल के लोगों को रखा गया था। एक रीता बर्नवाल को भेजा गया था असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ऊर्जा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में, और एक है आदित्य बामजाई जी को प्राइवेसियन सिविल लिबर्टी के डिपार्टमेंट में भेजा गया था, जबकि बिमल पटेल को ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भेजा गया था। अब बारी है आज के न्यूज फटाफट की। प्रमोद भसीन, कल भी मैंने आपको बताया था कि ICRIER यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है कि भारत का विदेशों के साथ आर्थिक संबंध किस तरीके का रहने वाला है। 15 साल से इस पर काम कर रही थी ईसर जज अहलूवालिया, उन्होंने अभी हाल ही में अपने निजी स्वास्थ्य कारणों से ये पद छोड़ दिया और इस पर अब आसीन हुए हैं प्रमोद भसीन। अगली जानकारी है, जाने माने खेल पत्रकार जीके मेनन का भी हाल ही में निधन हो गया। अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि जीके मेनन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो क्रिकेट खेलते थे और जाने माने खेल पत्रकार भी थे। तो वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 की दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस कैरियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य रहे थे। वह 1952 और 53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी रहे, जिसने बेंगलोर में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बेरियर ट्रॉफी जीती थी। तो बस इतना ही याद रखना पर्याप्त रहेगा कि जीके मेनन जाने माने खेल पत्रकार। अगली जानकारी है, रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज। रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वीमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी मीन WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। और इस चैलेंज को लॉन्च करने का जो मेन मकसद है वो ये कि महिला उद्यमी हैं और जो पुरुष उद्यमी हैं उनके बीच में जो जेंडर गैप है उसको थोड़ा सा मतलब खत्म करना, ऐसा नहीं माना जाए कि महिला अच्छा कर सकती है या पुरुष अच्छा कर सकता है, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लेकर है इसको। तो वीमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी पहल को फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस में शुरू किया गया था। या 2025 तक दुनिया के विकासशील देश में लगभग 50 मिलियन महिलाओं तक पहुंचना चाहती है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के रूप से काम करने वाला है। ये तीन स्तंभों पर आधारित, यानी कि मोटिव है कार्यबल में समृद्ध महिलाएं, यानी कि महिलाओं का कार्यबल में समृद्धता हासिल की जाए, उद्यमी के रूप में सफल किया जाए और अर्थव्यवस्था में सक्षम महिलाएं बनाई जाए। तो आपको याद रखना बस इतना है कि WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किसने शुरू किया है, रिलायंस फाउंडेशन। अब बारी है आज के वन लाइनर की। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में प्रवेश कर लिया है, तो वो 96 नंबर पर रही रिलायंस इंडस्ट्री। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया, नई दिल्ली में। एंड अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, वो है कमला हैरिस। एंड पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसको अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, तो वह है प्रमोद भसीन, जो ईसर जज अहलूवालिया की जगह लेंगे। और फोर्थ पत्रिका ने हाईएस्ट पेड एक्टर्स की सूची में अक्षय कुमार को कौन सा स्थान दिया है, वो 6वां नंबर है, पहले स्थान पर डॉन जॉनसन। एंड सालों तक धधक रहा माउंट सिनावंग ज्वालामुखी सोमवार को अचानक फट गया, ये किस देश में स्थित है, या इंडोनेशिया में है। एंड एक होम ग्रोन रॉकेट बनाने की इंजन क्षमता बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म स्काई रोड एयरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो है रमन। एंड लद्दाख पुलिस के ध्वज में किस जानवर का चिन्ह बना हुआ है, बर्फीले चीता। अब बारी है आज के क्विज की। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 किस भारतीय संगठन ने दुनिया की 300 कंपनियों में सूची में प्रवेश किया है, तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ये 60 मिनट की एक अकेडमी है जो IBR बेस्ड है
और अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बनी है, वो है कमला हैरिस। और अगर ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला होंगे। किसने ईमानदारी से कर चुकाने वाले के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक एक मंच का शुभारंभ किया है, तो वो है पीएम मोदी जी। किसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो वो है प्रमोद बसीन। ईसर जज अहलूवालिया की जगह ली है। और फोक पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 के लिए अक्षय कुमार को कौन सा स्थान दिया है, उन्होंने अक्षय कुमार को 6वां स्थान दिया है। सालों से ददक रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी सोमवार को अचानक फट गया है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यह इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया में स्थित 130 ज्वालामुखी में से एक है। एक होम ग्रोन यानी कि घर पे रॉकेट बनाने इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म स्काईरूट एयरस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम है रमन। एंड लद्दाख पुलिस के ध्वज में किस जानवर का चिन्ह बना है, क्योंकि लद्दाख पुलिस को अभी हाल ही में लोगो ध्वज और चिन्ह सौंपे गए हैं, तो उनमें इसमें एक स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए का चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।